why this institutional dynamics creation for developing? First of all, I would like that you should watch one movie clipping and then I will proceed further. Nikhil ji, he is clipping and this conveys some message, then I will correlate with the context. You are punctual. Alright. I will talk each one of. However, friends, everybody is born with talent under and immense capability. Today, I am going to deliberate one concept which is known as 3D concept. You have studied 3D concept in mathematics. However, I am proposing 3D concept. Yesterday, I have given little glimpse of 3D concept. Today, I am going to give the elaboration. 3T. First T is time management. 3T concept, first T is time management. Another one is temperamental management. And third T is target management. So, time management. With the help of time management and temperamental management, you can. It's very odd, very odd. Either that he lost his kingdom, he lost his wife, he lost his kids, or kuch. Alright. So that kind of focused will and determination will give you the result, which could be of any form, whatever you are targeting. You can gain the power to rock the world by using this 3T technique, and this will certainly unlock your potential. This 3T approach is certainly going to unlock your potential. You see, I am citing few more examples. M.K. Gandhi, Rashtrapita, was a timid, briefless barrister. Timid, briefless barrister in his career. With the help of time management and temperamental commitment, he has been transformed into a Mahatma. Swami Vivekananda became a world famous orator. Although initially he was having a lot of doubts, lot of suspicion in his mind, he used the time management and temperamental approach to gain that status of a big and great saint. अब आसपास उसकी कोई भी नहीं था। अब जो 8 साल का बच्चा था, उसे छोटा था, बहुत परेशान था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब उसने इधर देखा, कोई नहीं मिला उसे, तो और वो पानी में था, 10 साल वाला बच्चा कुएं में, तो बहुत ही ज्यादा वो आवाज कर रहा था कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो उस केस में क्या हुआ कि उसको एक बाल्टी दिखाई दी उस बच्चे को, और उसने वो बाल्टी जो है ना कुएं में डाल दी। तो जनरली कुएं में डाली तो बच्चा क्या करा, उस बाल्टी को उसने पकड़ लिया और उस बच्चे ने अपनी ताकत से, पूरी ताकत से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। 8 साल का बच्चा था और उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। अब दोनों बाहर आ गए, बहुत डर रहे थे दोनों बच्चे को, डर रहे थे कि अब क्या करें, गाँव में जाके बताएं नहीं बताएं, क्या करें नहीं करें। खैर वो वापस गाँव चले गए। उन्होंने वहाँ के लोग जो थे गाँव में, एक जैसे काका होते हैं, कहीं चाचा होते हैं, इस तरीके से उन सबको बताया और लोगों को बताया, पर कोई इनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि 8 साल का बच्चा था, उसको कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता था, उसके पास इतनी ताकत कैसे आ सकती थी, कोई इनका विश्वास नहीं कर रहा था। पर उसमें जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा क्या करा, उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कोई ना कोई तो सच्चाई होगी। जब बुजुर्ग लोगों ने कहा तो गांव में बुजुर्गों की बात लोग बहुत मानते हैं, तो कुछ लोग आए इकट्ठा हुए कि सोचा, उन्होंने कहा कि काका ये कर कैसे सकते हैं। तो उन्होंने सिंपल एक ही लाइन में उसका आंसर दिया, और वो आंसर पता है क्या था,
वो आंसर ये था कि जब वो बच्चा इधर उधर ढूंढ रहा था और जब उसको वो बचाना चाह रहा था तो आसपास कोई भी नहीं था। पर क्वेश्चन ये होता है कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। आंसर ये है कि उसको भी ये नहीं पता थी कि मैं यहां पर हूं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ टारगेट क्या था? उस बच्चे को बचाना था। अगर थोड़ा सा आपको समझ में आया हो, आंसर क्लियर हुआ कि आसपास के लोग तो थे ही नहीं, पर वो जो बच्चा था उसको भी उस समय ये होश नहीं था कि मैं यहां पर हूं या नहीं हूं। उसके सामने सिर्फ क्या था, एम क्या था? उसको बचाना। और जैसे ही उसने बचाया, उसके पास ऑटोमेटिकली वो पावर आ गई। तो लाइफ में सक्सेस करने के लिए कोई ना कोई एम आपको बनाना ही पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जरूरी है गुड थिंकिंग, गुड थॉट्स एंड सर्किट 3D। अगर 3D है तो सब कुछ है। थैंक यू। थैंक यू।